हेलो फ्रेंड्स, अभी जो पेंटिंग मैंने बनाया उसको हम कलर करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे आज की क्लास। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा मोटो रहेगा कि आसमां को बना लेते हैं, ऐसे लाइट करके करना है, क्योंकि उसके बाद हम डार्क करेंगे। शैडो का यही काम है कि पहले आप लाइट करेंगे, उसके बाद डार्क करते जाएंगे। अभी क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो है इसे हम थोड़ा सा लाइट दिखाते हैं। तो ऐसे थोड़ा लाइट कर देते हैं। ओके, हुआ। अब मैं फिगर को करूँगा। फिगर को ऐसा ही कलर दे रहे हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को कि हम पूरा कलर नहीं भरेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे, क्योंकि जिस साइड में लाइट आएगा उस साइड को हम कलर नहीं करेंगे, या फिर बाद में हम लोग उसे अलग कुछ लगे इसलिए अदर्स कलर को भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक साइड किया, एक गैप रख दिया, क्योंकि अब मैं इसे ऐसे करके थोड़ा घिस रहा हूँ ताकि लगे कि लाइट है। देखिए, ये हुआ, ये हम कर दिए, हो गया। वैसे ही ड्रेस को भी करेंगे। मैं लाल लेता हूँ ड्रेस को। ये साड़ी लाल लिया। अब देखिए, ये गया, मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ। तो क्या होगा, आपको पूरा कलर नहीं लगेगा यहाँ पे। ये हुआ साड़ी का नीचे। वैसे ही इसको भी हम करेंगे पूरा कलर, ऐसे इसे भी ऐसे ही हम कर रहे हैं। यहाँ भी एक ही, यहाँ भी। तो ये हुआ। अब ब्लाउज को हम ये कलर से कर देते हैं। आप अपने पसंद से कलर भी रख सकते हैं। लाल किया, अब ये कर रहा, यहाँ का हिस्सा छूट गया था मेरा। ठीक है, ऐसे कर दिए। आप बालों का, बाल भी ऐसे ही करेंगे, थोड़ा डार्क किया। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्राउन देके लाइट को दिखाएंगे ताकि ऐसे। अब इसे भी कर रहा हूँ, देखिए उभर जाता है। ये हो गया मेरा। अब पैर, पैर को करने के लिए पहले हम पत्ते जैसे दिखाना है ना। तो पहले कुछ डार्क ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके ये। तो यहाँ भी कुछ, अब लाइट देते हैं थोड़ा, इसे ऐसे करके। अब हम कुछ ऐसे कर रहे हैं।
ऐसे ही हम ये भी कर सकते हैं, तो फिर इसका क्लीन लगेगा। जो जो वाइट जगह छूट गया है हमारा कलर का, वो भी हम ऐसे मेकअप कर देंगे। हुआ, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लू यूज़ करेंगे ताकि लगे कि ये घना है। ऐसे कुछ कुछ कर देंगे, ओके। बाद में थोड़ा सा फिनिशिंग से कहते देंगे। अब इसका नीचे वाला हम ऐसे करेंगे, देखिए पहले ये वाला गया वैसे ही पूरा एक दिक करेंगे और दूसरा दिक हम रखेंगे गैप ऐसा। ओके, अब इसे ऐसे करके हम ये कर दिया ताकि लगे पैर का। वैसे ही बाकी पैरों को भी ऐसे ही करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि मैं सिर्फ राइट वाला दिक को सफ़ेद रख रहा हूँ या फिर लाइट दे रहा हूँ, क्योंकि ताकि लगे कि सूरज का जो रोशनी है वो इस साइड से आ रहा है, इसलिए ये वाला लाइट है। ओके, अब इसको भी कर देते हैं। अब हमारा पेड़ का हिस्सा खत्म, अब पानी कर लेते हैं। पानी को इस जगह में क्या होगा, अब देखिए थोड़ा डार्क करेंगे क्योंकि इस जगह को थोड़ा पानी में हलचल दिखाने के लिए ये वाला हम डार्क कर रहे हैं। अब क्या है, ये जो नदी का किनारा है इसको थोड़ा डार्क करेंगे ये ऐसा, ऐसे करके थोड़ा सा कुछ करेंगे। मतलब ऐसा लगे कि यहाँ पे हलचल हो, इसलिए ऐसे कर यहाँ की ऐसे ऐसे। अब क्या है, लाइट वाला हम देंगे थोड़ा। अब देखिए अब हम मिलाते हैं ऐसे, ये वाला जो जो चीज़ डार्क लगे उसे हम डार्क दिए और बाकी हम लाइट छोड़ देंगे। क्या होगा इसको दिखाने के लिए थोड़ा वाइट, ये भी अभी थोड़ा वाइट हम दे रहे हैं। वाइट इसलिए दे रहा है ताकि लगे कि कुछ जगह में अलग है और कुछ जगह में शेडो शेडो आएगा, इसलिए थोड़ा वाइट दे रहा है। ओके, अब इसको यहाँ पे जाएंगे हम मिट्टी बनाएंगे पार का। तो पार को हम कैसे करेंगे, पहले थोड़ा येलो दे देते हैं, या अपने मर्जी से कर सकते हैं या फिर पहले डार्क भी कर सकते हैं ब्राउन देके, जैसे कि ये थोड़ा ब्राउन। अब पूरा तो नहीं रहता है, थोड़ा घास वास पत्ते भी रहता है, इसलिए इसको हम ऐसे दे रहे हैं घास का घेरा ये सब दिखाने के लिए। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा मिला देते हैं। ये रहा ये इसका,
इसको भी थोड़ा सा ब्राउन दे देते हैं। इसको ये दे दिया, अब पानी का जो हिस्सा है वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा आएगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा शैडो दे सकते हैं, ग्रीन ग्रीन टाइप का दे सकते हैं, नहीं भी देगा तो चलेगा। ओके, और अब हमारा जो बाकी हिस्सा है घड़ा का, घड़ा भी कर देते हैं ऐसे, ऐसे कर दिया। तो आप लोगों का अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। आप लोगों को मेरा यही विनती है कि अगर नेक्स्ट आपको अच्छा अच्छा ऐसे ही कुछ सीखने को चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा। थैंक यू।